हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है कि लाइट रहे ना रहे की बात है। ओके जी, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज लास्ट टॉपिक है हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। क्या है, हम लोग तब तक क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, एंड बहुत सारे बच्चों के आंसर्स में देख रही थी स्क्रीन पे, क्या बी 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 लगा रहे थे। क्या लग रहा है, 34B पक्का? क्या क्या होता है हमारे सीवेज में? ऑर्गेनिक मैटर और साथ ही पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ये दोनों हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, बिल्कुल सही आंसर भी है। और ये नेक्स्ट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इज दी, क्या है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट वेस्ट का? ए मैम एवरीवन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35। और लोग, हर्षिता आपको सी क्यों लग रहा है, बोथ ए एंड बी? प्राइमरी ट्रीटमेंट देखो ना बच्चे, प्राइमरी। मैम मुझे क्या करना है, मुझे डायबिटोलॉजिस्ट। ओके जी, ओके जी, बिल्कुल। अब मेरे दुआ रहेगी कि आप बन जाए। दीपक आपको भी इसका आंसर सी लग रहा है सच में, क्यों? प्राइमरी ट्रीटमेंट वर्ड से आप समझ नहीं रहे हो। हाँ चलो, दीपक जी ने तो एग्री कर लिया। बाकी एक जो हर्षदा, हर्षदा आपको क्यों लग रहा है भाई सी? प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल अबाउट फिजिकल रिमूवल, जहां पे हम सिर्फ फिजिकली उनको रिमूव कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स सेकेंडरी। ठीक है, हाँ जी अरिबा मैम, वो मैम लिख रही थी मैम। हाँ, तो आपने मैम ही लिखा है अरिबा? नो मैम, उससे पहले उन्होंने लिखा था माँ दुआ कीजिए, वही उसको करेक्ट करके लिखा मैम दुआ कीजिए। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इन द प्राइमरी बहुत प्रॉब्लम हो जाती, कभी कभी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती। हाँ वो इट्स अंडरस्टूड बच्चे, कोई बात नहीं, वो समझ में आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए फटाफट से, इसका भी ए, फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या करते हैं हम, सिर्फ फिल्टर वाले को हटा देते हैं और जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसको हम आगे ले जाते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। करेक्ट, यही करा था हमने। हाँ जी मैम, क्योंकि यही होता है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय कौन सा मेथड? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किसी को बताने का जरूरत है? नहीं मैम, बताने का जरूरत नहीं है, दैट इज योर सेडिमेंटेशन। हमने मैम एक चीज पूछनी थी, कल टेस्ट होगा? नहीं कल कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट होता तो आज हमारा रिवीजन क्लास चल रहा होता ना, कल एसओएससी वालों का टेस्ट है। मैम फिर तो शुक्र है, आराम से कोई टेंशन, अभी तो सोएंगे मैम। हाँ जी बिल्कुल सोइए। क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करिए काम। 40 तो नहीं हो पाएगा, 43 करिए तब तक, और 44 देखिए। 38 का क्या है, मैं साथ साथ आंसर भी लेते चल रही हूँ, ठीक है? आप प्लीज बीच में आंसर देते रहिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैम सी इन द सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स कौन से रिमूव करता है मैम? प्राइमरी कोई कंडीशन नहीं है। इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का दूसरा नाम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही आजाद जी, सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है, द मासेस ऑफ बैक्टीरिया टुगेदर बाय फंगल फिलामेंट टू फाइंड सॉरी फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं मैम? फ्लॉक्स। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं एक एक लाइन एक्यूरेट वही है मैम जो हमने पढ़ी है। नेक्स्ट है मैम हमारा, चलो इसको ऊपर कर देते हैं, हो पाएगा? चलो 43 पहले देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज क्या है हमारा? पजेसेस फ्लॉक ऑफ डिकम्पोजर्स माइक्रो, प्राइमरी स्लज, ध्यान से थोड़ा सा बताइए जी, यही होता है मैम? बी लग रहा है, प्राइमरी स्लज में बच्चे जी अब है पजेसेस फ्लॉक्स ऑफ डिकम्पोजर्स माइक्रोब, यही होता है भाई 43। ठीक है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, लिटिल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का हमने कोई नाम ही नहीं पढ़ा था, फॉर्म्स ड्यूरिंग दी सीवेज ट्रीटमेंट, ये बात भी ठीक है कि सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे ये बन रहा होता है, बट इसका कोई लेना देना नहीं है अभी इस बात से। ठीक है, नमस्ते दीपक जी। और ये वाला तो बिल्कुल ही बेकार है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? पजेसेस फ्लॉक्स ऑफ डिकम्पोजर्स माइक्रोब। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट
biogas is produced, which includes वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कल नहीं, परसों की क्लास में शायद हमने जब किया था ये, तो 10 बार मैंने आपको बोला था इसको. क्वेश्चन नंबर 40. मैम ए. ए मैम, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड. मीथेन, H2S एंड CO2. ठीक है, चलो नेक्स्ट मैम. बच्चे स्लज की बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ, तो कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप? आजाद जी अपना माइक ऑफ कर लो. और यू वांट टू नो मैम, प्राइमरी स्लज में नहीं होते फ्लॉक्स, एक्टिवेटेड स्लज में होते हैं. नहीं बच्चे, दिस इज ओनली द करेक्ट थिंग. क्या नाम है रितु? एक बार हम लोग दोबारा से इस पे आ जाएंगे, डोंट वरी, है ना? अभांशु जी, आप आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं हमारे. अभांशु, आपकी तो मुझे कोई ऐसी आवाज नहीं आई अभी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. माइक्रोब्स आर यूज इन मैम सी. ठीक है, 45 का क्या आंसर आएगा हमारा? सी. सी या डी? बहुत सारे लोग सी में भी घूम रहे हैं, कुछ लोग डी में भी घूम रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 45 उसी को देखिए. माइक्रोब्स किसमें होते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में? नो. और जहां जहां हमारा फर्स्ट है वो हमारा गलत हो गया. मतलब क्या, इसी लाइन ने ही हमें सारा आंसर बता दिया. ठीक, चलो अब ये वाला देख लो, थोड़ा बड़ा है तो शांति से पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. Primary treatment of sewage involves physical removal of small and large particles through कौन सा process था? अभी just पढ़ के हट रहे हो? Sedimentation. देखो मैम कहाँ कहाँ दिया है sedimentation हमारे पास. Question number 40. हम A में. A में दिया हुआ है sedimentation. और किसी में भी नहीं है. नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ ना. सेडिमेंटेशन एंड दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है ये भी तो बताओ साथ में. सेंट्रीफ्यूगेशन. एक तो सेडिमेंटेशन हो गया और एक और दो प्रोसेस चलते हैं ना. बिल्कुल सही रितु, फिल्ट्रेशन. तो अगर हम उल्टा कर लें, फिल्ट्रेशन या एंड सेडिमेंटेशन लिख लें, कोई फर्क पड़ेगा उस पे? नहीं मैम, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है ना, ऑड वन आउट करना है. बाकी आप देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगेशन देख दिया हुआ है और इससे हमारा आंसर निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ दो स्टेप्स ही होते हैं, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, दोनों ही होते हैं. पहले किसी को भी लिख दो उससे मतलब नहीं है. तो ठीक है मैम, हम डी वाले को लेके चल सकते हैं. फिर क्या कह रहा है? माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट एंड रिड्यूसेस. क्या रिड्यूस करता है ये? बीओडी. यही हमें करना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ही मैम रिमूव करना है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? डैश. अब ये डैश कौन हो गया हमारा? सारे फिल करते हुए देख लेते हैं फटाफट. मिथेनोजेंस, पर्टिकुलरली कौन सा मिथेनोजेन? मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि कैसा है? एनारोबिक बैक्टीरिया है. एनारोबिकली ब्रेक डाउन सेलुलोसिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस CO2 एंड H2 फ्रॉम एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द सेटलिंग टैंक ट्रीटमेंट. ठीक है, और ये पूरा हमारे से बैठता है. जैसे ही आपको पहले तो पता है ना, बाकी पूरा आंसर अपने आप निकल ही गया ये. चलिए नेक्स्ट तो देखिए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग वैशाली, लेट हो गए आप. यस मैम, भूल गई थी बायो की क्लास है. ओके वैशाली जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 41. मैम डी. डी मैम. क्या है देखें, डी बोल रहे हो आप लोग. इन द सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट इन द सेटलिंग टैंक. किसमें? दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड, अभी हमने शायद पढ़ा था ये थोड़ी देर पहले, 41. एक्टिवेटेड स्लज. एक्टिवेटेड स्लज. वैशाली आप, अच्छा ठीक है, आप केमिस्ट्री क्लास ऑन टाइम ज्वाइन करते हैं. ओके ठीक. क्वेश्चन नंबर 46. द बीओडी टेस्ट मेजर the measures the rate of uptake of oxygen by microbes in water body. ठीक है, the greater the BOD of sample water indicates, क्या indicate कर रहा है वो? More polluted. Highly polluted. More polluted. Polluted. ठीक है, which of the following plants have been initiated by? Gangaia reaction plant and Yamuna reaction plant दोनों ही हैं.
क्वेश्चन नंबर 43 42, अब इसको बैठ के बनाओ क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में. कर पाओगे? नहीं मैम, हमें ऑप्शंस चाहिए होंगे. ऑप्शंस के लिए फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन क्या कर लोगे, खुद से एक बार देख लोगे बिकॉज मेरी स्क्रीन पे आएगा नहीं. माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, ये वाला हमने कल कर लिया था राइट. चलिए जी इसको भी देखो फटाफट से, 10 ही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन करने के बाद हम अपने चैप्टर पे आते हैं. जल्दी देखो, द मोस्ट फ्लेमेबल गैशियस कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस इज, कौन सी है क्वेश्चन? बाकी लोग भी सारे ए. इनसे हमने, इनमें से हमने पूछा है बच्चा मोस्ट फ्लेमेबल, ये हमें पता है कि बायोगैस. मैम बी है, मीथेन. मीथेन बिल्कुल बिल्कुल सही जाती है. बी 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 बी, ऐसा लगता है उसे माइक लेके चिल्ला रही है. ठीक है बिल्कुल सही बी रही तू. बी, मिथेनोजेंस आर फाउंड इन, कल पढ़ा था ये तो इजी है. 49 रूमन ऑफ मिथेनोजेंस. अब क्वेश्चन नंबर 49 को ही बोल रहे हो ना तुम लोग? बी. आप भी बी बोल रहे हो? मैम सी होते हैं ये. पहली बात ऐसे करते हैं ठीक है. मिथेनोजेंस क्या हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स में होते हैं? नो नो ठीक है, कैंसिल हो गया. तो पहला वाला तो कैंसिल है. फिर रूमेन ऑफ कैटल, हाँ मैम इस पे तो हम श्योर हैं कि होते ही होते हैं. एक हमारे पास बी है, एक हमारे पास सी है, और डी भी हमारा कैंसिल क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट नहीं है. अब बच्चे हमारे पास दो, ब्यूटेनॉल और बच्चा एनएरोबिक स्लज. अब बताओ कौन सा लग रहा है, बी या सी? एनएरोबिक स्लज. सी 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 है मैम. अभी तो सारे बी भी ठीक है मैम. सी ठीक है मैम, हमने ऑप्शन देखा था बस. ठीक है हाँ, तो बेटा ऑप्शन देख लो, तुम्हारे लिए बनाए ना ऑप्शन. चलो क्वेश्चन नंबर 50 फटाफट से देखो एक सेकेंड. मैम सी. मैम सी. मैम ऑप्शन सी. जस्ट वन सेकेंड. मैम ही नहीं है अभी. नहीं नहीं मैं हूँ यार, यहीं पे हूँ, बस दरवाजा बंद करने गई थी. मैम कहाँ जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट. हाँ अभी तो किया ना मिथेनोजेन, तो मिथेनो बैक्टीरियम ही है. चलो क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 से क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ऑफ रूमिनेंट्स. कौन सा था 51 का? बी मैम. तो तुम लोग सी ऑप्शन पे कौन बोल रहा था? मैम कोई भी नहीं बोला, मुझे पता नहीं क्यों सी भी सुनाई पड़ रहा था. चलिए जी ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 53. इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा वरना मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ये. ए कहाँ है? अच्छा देख गया. ए बी सी कल दिखाया था आपको, ये उल्टा था बट हमारे पास, बट अब आपको सीधा रखना है इसको ही. सबसे ऊपर कौन सा आएगा, सबसे नीचे उसके बाद कौन? 53. यहाँ पे कौन से आएंगे? सोल्युबल कंपाउंड्स ऑफ मोनोमर्स. इन सबको सोल्युबल करने के लिए क्या चाहिए हमें? CO2. ओ अच्छे, ए में देखो ना ये CO2 तो कहाँ ही है. CO2 ठीक है बाद में निकलेगा वो बात ठीक है, बट यहाँ पे क्या आएगा इसके ब्रेकडाउन से? ठीक है आपका जो आंसर आप बोलना चाह रहे हो कि इसके ब्रेकडाउन से मैम जो निकलेगा, तो इसके ब्रेकडाउन से हाँ ये ठीक है कि CO2 निकलेगा और साथ में क्या मैम? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मैम डी लग रहा है. डी लग रहा है सबको? डी लग रहा है. Yes, ma'am. Aerobic और anaerobic का मतलब समझते हो तुम लोग? Aerobic में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो और anaerobic जिसमें एब्सेंट हो. यहाँ पे क्या निकल रहा है? पहले मुझे आंसर दो अभी वगैरह. एंड जितने लोग को भी वो लग रहा था कि aerobic माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये क्या है? CO2. CO2 निकले राइट. तो CO2 क्या है, aerobic के लिए होगा या anaerobic के लिए होगा? Anaerobic. 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 अब आगे से भूलोगे ये चीज? ओके मैम. मैम क्या? ठीक है तो ये बात याद रखो, जिसका कंपोनेंट हमारे पास लास्ट में CO2 निकल रहा है वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया तो नहीं है. ठीक है ये बात बिल्कुल दिमाग में बार, जैसे कहते हैं ना ठूस लो. ठीक है हाँ, तो यहाँ पे मैम पहला ही हमारा है कि ये गलत सही इन दोनों में से कोई हो सकते हैं.
ठीक है मैम, हम एनारोबिक बैक्टीरिया को मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया आएगा। अब ऑर्गेनिक एसिड्स को हमारे कन्वर्ट कौन सा करेगा? यहाँ पे इन्होंने पता क्या गलती कर दी, यहाँ पे इन्होंने बस एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम लिख दिया, और यही ठीक है एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम लिख दिया है, बट यहाँ पे आपको लिखना क्या है, हाँ बैक्टीरिया जैसे ही आप लिखोगे आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा और अगला स्टेप जो है वो भी क्लियर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या निकल रहा है, बायोगैस। ठीक है चलो 52 भी खुद से करना है आपको, 54 देख लो फिर अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये तो मैंने कल ही बताया था ना आप लोगों को कि ये पूछा जाता है आपसे। मैम सवाल का जवाब तो दे दीजिए, सी था या बी? नहीं इसका क्या होगा 54 का, इसका आंसर सी है बच्चे, सॉरी बी है इसका, बी आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो बहुत जगह जगह कल भी बताया था कि लोग कंफ्यूज किस में होते हैं, केवीआईसी में। ठीक है ये क्योंकि उनको किसी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कोई और वो लगते हैं, बट ठीक है चलो जी। हमारे जो हम लोगों ने कल पढ़े थे चैप्टर्स उन दोनों के देखो हो गया। अब बच्चे हमारे पास ये दो एक ही पेज है, बट यस हमने ये चैप्टर अभी तक नहीं किया ये वाला पार्ट, अभी हम पहले ये करेंगे और अगर हमारे पास टाइम बचा तो वी विल बी डूइंग इनके क्वेश्चंस हाथ के हाथ, एंड आप मेरे एंड से पहले 10 चैप्टर्स के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है बस एक पहले चैप्टर को मैं ज्यादा वो नहीं करती हूँ बिकॉज वो हमने बहुत ज्यादा उसने से नहीं पढ़ा क्योंकि वही था तुम्ही लोगों ने मना किया मैम सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट चैप्टर हमें लगा कि वो फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे आप, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला। हाँ मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बहुत तो नहीं आ रहा है, वो तो है ही नहीं मैम। अरे बेटा जी इसमें नहीं है ना तुम्हारे क्या बोलते हैं क्या तुम्हारा तो जो पेपर है अभी क्लास में, ठीक है सॉरी बोर्ड्स में नहीं है, बाकी तुम्हारे नीट वीट से नहीं गायब हुआ है। नीट में आते ही आते हैं, एक से दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आंसर से थ्रू अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि देखो अच्छा किसी को भी वो प्राइमरी स्लज वाले में कंफ्यूजन हो रहा था ना, कहाँ गई रितु मैम कल कोई टेस्ट है? नहीं वैशाली कल कोई टेस्ट नहीं है बच्चे, नहीं है कल तो बहुत सुकून है ये सब सुन के। मैम आज तो मुझे ग्रुप मिल गया प्रोटॉन, हो गया मैम क्या प्रोटॉन मिल गया आज? अरुण आपको अरुण यस मैम मुझे ओके सही। एक्चुअली बच्चों को ना शिफ्ट किया जा रहा है बिकॉज शायद आपको कोई नई टीचर नहीं होंगी, जो पुराने टीचर हैं उन्हीं टीचर्स के ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे। नेहा मैम पढ़ा रही हैं, हम अभी तो नहीं किया मैं। नहीं नहीं बट अभय आपका भी हो जाएगा कल तक में, कल या परस कल तो मतलब छुट्टी है, मंडे तक में आप लोगों को भी नया ग्रुप मिल जाएगा बिकॉज मंडे हमारी बायो की क्लास होती है एंड आपको एक न्यू टीचर नेहा मैम मिलेंगे। नेहा मैम शी इज आल्सो वेरी नाइस, उनसे मैं मैम से मैं 11th क्लास पढ़ूंगी। मैम तब तक के लिए कर रहे हैं जब तक आप जा रहे हो तब तक के लिए कर रहे हैं शिफ्ट हमें? हां पता नहीं फिलहाल तो अभी मुझे कुछ ऐसा, बट लेट्स सी। ठीक है मैम मुझे तो नहीं लगता ये परमानेंट करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग भी अब इंटेलिजेंट हो गए हो भाई। देखो जिनको नहीं करना होगा ना बिल्कुल उनको बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बाकी हाँ बाकी मोस्टली सबको मिल जाएगा। ठीक है चलिए जी आ जाइए बैक टू द टॉपिक, हमारा क्या है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक क्या है बायो कंट्रोल एजेंट। एक्चुअली बायो कंट्रोल एजेंट्स में देखो पुराना समरी रिवाइज करने का जरूरत है नहीं बिकॉज क्वेश्चन आंसर तुमने किया और आंसर तुम लोग ले रहे थे। ठीक है चलो जी अब हमें जो इसमें पढ़ना है ना, जैसे हमने वर्ड यूज किया क्या बायो कंट्रोल एजेंट, सीधे से आप आ जाओगे कहाँ पे, आप आ जाओगे एग्रीकल्चर में। जैसे ही आपने वर्ड सुना तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर व्हाट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में मैम क्या जरूरत पड़ गई आने की? ठीक है कोई नहीं सलोनी कॉल आ जाएगा, जिनको नहीं आए वो प्लीज मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, मैं अभी एक वीक के लिए आप लोग के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। आई विल अरेंज समथिंग फॉर यू कि मैं बता, मैंने मंडे तक का बोला है ना अभी मंडे तक आ जाएगा। ठीक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, अब ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए क्यों? बिकॉज मैम हमारा जो है आज के टाइम पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है पहली बात तो ये, दूसरा इनके साथ क्या है जब पॉपुलेशन हाई है तो फूड का डिमांड भी बहुत हाई है।
ठीक है, फूड का डिमांड भी मैम बहुत ही हाई है। अब फूड डिमांड हाई होने से क्या हो मैम, फूड डिमांड हाई होने से मतलब ये हो गया मैम हमारे पास कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो एक अल्टरनेट तरीके निकाल रहे हैं, या फिर आप कह लो साइंटिस्ट लोग भी कुछ ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिससे हम इस पॉपुलेशन को का जो फूड डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, राइट। बिकॉज अगर ये फूड डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है, मार्केट का प्राइस बहुत ही हाई हो जाता है। जैसे आज के टाइम पे किसका हाई हो रखा है, टमाटर, ठीक है, टमाटर 200 रुपए किलो बहुत ही हाई हो रखा है हमारे यहाँ भी यही हाल है। तो टमाटर का प्राइस क्यों हाई है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि और ये सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि मैम एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया ना, पूरे इंडिया में हम टमाटर उगा रहे हैं, एक सपोज के लिए क्या हुआ कि नॉर्थ सॉरी साउथ इंडिया में जो जितना भी टमाटर हमने उगाया था ना उसमें किसी तरीके का कीड़ा लग गया, ठीक है, सपोज किसी तरीके का कीड़ा लग गया, और वो कीड़ा जो लग गया तो अब कोई कीड़े वाला तो लेगा नहीं, यहाँ पे क्या हो गया सीधे सीधे 60% ही हमारे पास बचा। अब हमको चाहिए, हाँ 100 ड्यू टू हैवी रेन कुछ भी हो गया, ठीक है, फसल ही बर्बाद हो गई, हमें चाहिए 100% मिल हमको 60% रहा है तो क्या हो जाएगा, प्राइस हाई, ठीक है। तो अभी मैंने कीड़े वाला इसलिए बोला क्योंकि हम तभी इसको क्या बोलते हैं सीधे टॉपिक से रिलेट करेंगे, क्योंकि मैम आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बेसिकली फार्मर्स क्या होते हैं, जो आपकी क्रॉप है उसको इम्प्रूव करने के लिए केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा, बिल्कुल सही, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स का यूज, सॉरी हर्बिसाइड्स नहीं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, और ये पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं मैम, ये हमारे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बट क्या कर देते हैं, सीधे सीधे केमिकल्स डाल देते हैं, ठीक है। और वो केमिकल्स क्या करते हैं, जैसे उन केमिकल्स को पता है कैसे समझ सकते हो आप, जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स, जैसे हमारी बॉडी के लिए एंटीबायोटिक्स, कैसे मैम, एंटीबायोटिक्स का क्या लेना देना है मैम, एंटीबायोटिक्स का लेना देना ये है बच्चा जी कि वीडिसाइड्स या कुछ भी कह लो, वो सारे केमिकल्स हमारे एंटीबायोटिक्स की तरह हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि मारना किसको है, उनको बस ये पता है कि मुझे मारना है, सामने जो मिलेगा मैं उसे मारूंगा। एंटीबायोटिक्स भी इसलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स कम खाने चाहिए, जब रिक्वायर्ड हो तभी आपको खानी चाहिए। तो वही कहानी इनके साथ भी है कि हमारे जो केमिकल्स हैं इनको सिर्फ ये पता है कि मैं कीड़ों, मुझे जो है सामने वाले को मारना है। अब उस पर्टिकुलर प्लांट में जो डिसीज लगी होगी वो तो क्योर होगी होगी, बट वो अगर हमारी बॉडी में जाएगा, चलो ठीक है हम ह्यूमंस हैं हम अपना टेक केयर कर सकते हैं, बट किसी पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी में जाएगा तो अगर तो वो एनिमल जो कहते हैं ना वो डोमेस्टिक एनिमल है, गाय वगैरह है, तो उसको पाल लिया जाएगा, सॉरी इलाज विलाज कर दिया जाएगा, बट जो ये हमारे रोड साइडर्स वाले एनिमल्स होते हैं उनका कोई इलाज नहीं करेगा, वो बेचारे मर जाएंगे। तो उसी लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ ऐसे एजेंट्स या ऐसी चीजें जो क्या करेंगी, बायोलॉजिकली हमारे उसको कंट्रोल करेंगी। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप जब क्रॉप बनाते हो, अब तो आपको लगभग चीजें जो है समझ में आती होंगी कि आप जब कोई भी क्रॉप बनाते हो, आपको पता है हर एक क्रॉप क्या सीड से बनती है, स्टार्ट होती है, आप क्या करो ना स्टार्टिंग में ही सीड्स में ही आप क्या कर दो, रेजिस्टेंट, ठीक है मैम ये, हाँ जी बच्चा ये लड़की रियल में थी, ठीक है चलो जी, हाँ जी अभी मैं ला रही हूँ, मेरे को एक्चुअली तभी ना ऐसे वाले जो होते हैं ना इमेजेस थोड़ा देख के बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, आई डोंट यूज टू गुड, बट यार ठीक है कभी कभार तो चलती है, ठीक है आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है कि इंसेक्ट्स खुद भी ये खराब कर देते हैं और हमारे ह्यूमन बॉडी में भी बहुत, मतलब ठीक है वो बहुत परसेंटेज बहुत रेयर होता है, 2-3% लोगों में ही वो देखने को मिलता है, वही जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या जेनेटिक डिसऑर्डर उनमें आ गया, म्यूटेशन हो गया या कुछ और। इधर हम लोग क्या करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स में, हम उन्हें क्या कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हमने उनके जीन में ही जाके चेंजेस कर दिए, हमने उसके जीन्स ही कुछ इस तरीके से कर दिए हैं, देखकर विचार करते हैं कि क्या हुआ है, हाँ जी कोई नहीं ठीक है, दो मिनट दीजिए विशाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीड्स में क्या किया मैम, उनके जीन्स में ही चेंज कर दिया, जीन्स में चेंज करने से हुआ ये कि अब ना अगर वो पर्टिकुलर इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की जो बॉडी है उसमें कुछ तरीके का डैमेज हो जाता है इंटेस्टाइन या गट्स में जाके, जिसकी वजह से हमारा इंसेक्ट मर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को बचाते हैं, ठीक है। तो बायो कंट्रोल मेथड क्या है, इट इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेस एंड पेस्ट,
प्लांट्स की डिजीजेस से भी और पेस्ट से भी हम बचाते हैं ठीक है। फिर क्या है एग्जांपल, कैसे लेडी बर्ड जो हमारा बीटल है कंट्रोल एफिड्स, किसको कंट्रोल करता है, एफिड्स को कंट्रोल करता है। ड्रैगन फ्लाइज जो है वो किसको कंट्रोल करती है, मॉस्किटोज को कंट्रोल करती है। अब क्या कहा रही है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपको पता है कि जो ये हमारे ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ वर्ड हमने सिर्फ ऑर्गेनिज्म यूज किया है नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि आपको पता है क्या चीज मैम, ये पढ़ा है ना हमने, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो अगर हम लोगों ने क्या करा कि ये केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज किया तो मैम हमारा तो फिर पॉलिनेशन भी नहीं होगा ना, क्योंकि वो किसको, दोनों को ही मार देता है। जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, दोनों को ही मार देता है एंड क्या करेगा, कॉज करेगा पॉल्यूशन भी, क्योंकि इसने क्या किया, केमिकल जो है आपकी वेजिटेबल्स में लेके आ गया और ये भी आपको पता होगा कि एक टाइप का पॉल्यूशन ही है बायो कंट्रोल मेथड के साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हमारे बायो कंट्रोल मेथड्स होंगे वो ऐसे नहीं है जैसे हमने यहाँ पे किसी, जैसे आपको पता है जैसे उस टाइम पे हमने तब भी पढ़ा था वो कौन सा था, मलेरिया, याद है, यहाँ तो मैं प्लांट्स वाला बता रही हूँ, बट मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए हमने कौन सी, वो कौन सी वाली फिश थी, एक फिश थी ना आर से शायद कुछ नाम था उसका, याद आ रही है मैम, वो तो गप्पी फिश थी, गप्पी फिश थी, ओके ठीक है, वो जो आपकी गप्पी फिश थी जो आपको मलेरिया वाले, जो हमें मलेरिया वाले टैंक्स में डालनी होती है, तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, वो भी एक कैसा तरीका है, बायो कंट्रोल मेथड ही है। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो, आगे की कहानी है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसमें क्या कहानी है मैम, यहाँ पे कैसे, टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ठीक है, बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे मैम, ये आप लोगों ने सबने आई गेस जब आप बायो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना उस टाइम पे ये आपको थोड़ा सा अच्छे से जो है नेहा मैम जब या जो भी टीचर के ग्रुप में आप जाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि उस टाइम पे बायोटेक जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए बस आप ये कर लो कि ना बीटी कॉटन आपने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि उस पे ही हमारे क्या लगते हैं, बटरफ्लाईज, टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। कैटरपिलर आपको पता है एक स्टेज होती है हमारे बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है, उसमें एग्स, लार्वे, देन कैटरपिलर, और उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। The dried spores of BT available in sachets, ठीक है, are mixed with water and sprayed on the to the vulnerable plants. क्या कर दिया हमने उसे, जो dried spores होते हैं हमारे BT के, उसको हमने पानी में मिक्स किया और स्प्रे कर दिया पूरे के पूरे प्लांट्स में, such as brassica and fruit trees. These are eaten by the caterpillar. Caterpillar क्या करता है, इनको खाता है और उनके गट में जाके क्या हो जाता है, टॉक्सिन एक रिलीज हो जाता है जिससे उनके लार्वा जो होते हैं मर जाते हैं। तो ये कैसा तरीका है, ये मैम एक बायोलॉजिकल मेथड है या बायो कंट्रोल एजेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा जो मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, बैसिलस बोलते हैं इसे, ठीक है, आई होप आपने सुना होगा ये बैसिलस, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जो है ये टॉक्सिन जीन्स जो है हमारे प्लांट्स में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और उसी को हम कहते हैं बीटी कॉटन। ठीक है, चलो जी, अब अगला कौन सा है मैम, एक तो हमारा बीटी वाला हो गया मैम, ये नेम 11 में, हाँ जी आदित्य जी, अभी जब आप इसको पढ़ोगे ना बायोटेक वाले को, इसीलिए मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी डिटेल में पहुंच गए तो आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का ना मोटिव भूल जाओगे। यहाँ सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं केमिकल वाले से बायोलॉजिकल वाले कैसे प्रॉफिटेबल है। बायोटेक्नोलॉजी जो आपका चैप्टर है उसमें पूरी डिटेल में दिया हुआ है, आई गेस पार्ट टू वाला जो इसका है एप्लीकेशन वाले उसी में दिया है, बट बहुत अच्छे से दिया है, कभी एनसीईआरटी खोल के देखना। जो ये वाला इमेज है ना, ये इमेज मैंने वहीं से लिया है, बीटी कॉटन वाला ये, ठीक है। चलो अब क्या है, पहला हमारा बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस हो गया, दूसरा हो गया हमारा ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ये क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, अब तक तो रट भी गया होगा कि ट्राइकोडर्मा मैम एक फंगस है। इसको क्या कर दो, इसको मैम दे आर सीन इन द रूट सिस्टम, कहाँ प्रेजेंट है मैम, रूट सिस्टम में प्रेजेंट है एंड दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन, क्योंकि ये क्या करती है, ये कैसी है, कैसे है, ये मैम हमारे हिटरोट्रॉफिक है, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए और साथ में क्या करा, हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, किसके अगेंस्ट, प्लांट्स के पैथोजेंस के अगेंस्ट, रूट्स में आ गए
और रूट्स में आके क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं मस्क। ठीक, चलो जी आगे आ जाओ मैम। आगे कौन सा है हमारा, बैक्यूलो वायरसेस, स्पेशली जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अब इसकी क्या कहानी है मैम, देखिए जी इसकी कहानी क्या मैम, ये हमारा अटैक करता है इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थ्रोपोड्स को, ये इंसेक्ट्स को और ऑर्थ्रोपोड्स को अटैक कर रहा है। इट इज सुटेबल फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक, बट ये इसके साथ क्या है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, उन सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। उनके पास कोई भी पैथोजन आएगा वो मारेंगे, बिकॉज उनको क्या पता है कि मुझे सामने वाले को मारना है, इसलिए वो हमारे को भी हार्म कर दे। बट नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस भी हैं इनके पास, एंड डिजायरेबल आईपीएम। आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बच्चा जी प्लीज इतने बड़े बड़े शब्दों को देख के डरना नहीं है आपने, आपको ये सारे बैक्यूलो वायरस, बीटी कॉटन एंड ट्राइकोडर्मा वाला नहीं मिलेगा, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जस्ट डिस्कस करेंगे। बट ये दोनों जो आपको है ना, ये आपको बायोटेक में प्रॉपरली समझाया जाएगा कि हमने कहां पे किसको चेंज किया। बस यस, माइंड में थोड़ा सा लेके जाओगे तो वो अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक, चलो जी अब आ गया हमारा कौन सा, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। सबसे इजी, सबसे बच्चों वाला टॉपिक, क्यों, क्योंकि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। बायो फर्टिलाइजर्स कौन से हैं मैम, जैसे आपने देखा होगा रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट्स कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये जो होते हैं ना, अब ये क्या लगता है ना लोगों को, लगता है कि ये कैसे है, ट्यूमर काइंड्स ऑफ है। हाँ जी, दालें जितने भी होते हैं लेग्यूम्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, इसमें हेल्प करती है राधिका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ जी बिल्कुल सही कहा राधिका ने कि मैम ये हमारी करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प। ठीक है, बिल्कुल ही सही जवाब, मतलब जवाब के अपने आप से उन्होंने बता दिया कि ये कैसे बायो फर्टिलाइजेशन है मैम। देखो जब मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था क्या चीज, कि एटमोसफेयर में हमारे पास, शायद 11th वालों को पढ़ाया था, कि ये रहा हमारा कंपोनेंट ऑफ गैसेस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, राइट। उसके बाद हमारे पास 21% राइट, 21% हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, नहीं मीनू आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। हाँ जी अभी आ रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया के हाइड्रोसिस्ट पे भी आ रहे हैं। चलो जी फिर क्या है, 21% हमारी ऑक्सीजन है और 1% में हमने क्या पढ़ा था, सारी गैसेस होती है। मैम लिख के भेज दोगे, हाँ जी बच्चा वही ऑप्शन है, लिख के भेज दीजिए प्लीज। चलो अब हमारे पास कहानी क्या हुई मैम, जो कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये चीज थी कि हम लोगों ने ना ये वाला पार्ट लास्ट ईयर भी पढ़ा है थोड़ा सा। कहाँ पे पढ़ा है हमने मैम, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन पूछ रहा है भाई, लीना, ओके जी। चलो देखो कहानी हमारे पास क्या है मैम, इसकी कहानी हमारे पास ये है कि हमारे पास ना नाइट्रोजन भर भर के जो है प्रेजेंट है सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में। आपको पता है ना एटमॉस्फेयर का ही हमारा कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस का चार्ट है। बट अगर आपसे कोई पूछे जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इतनी सारी भरी हुई है तो हमारे प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ही क्यों नहीं ले रहे हैं, बताइए जी क्यों नहीं ले रहे एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, तो बैक्टीरिया जो है वो उसको सिंप्लेक्स फॉर्म में करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर प्लांट्स लेते हैं। लगभग लगभग जो है आपने मोना आंसर जो दिया है दैट इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है कि मैम हमारे पास जो सॉरी प्लांट्स के पास जो नाइट्रोजन सॉरी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन भरी हुई है वो हमारी N2 नाइट्रोजन, ठीक है, इस ही फॉर्म में प्रेजेंट है। बल्कि प्लांट्स को जो चाहिए, और अच्छा प्लांट्स को क्यों चाहिए, किस चीज में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसमें पड़ा है अपने बच्चे, क्या है ये, अमीनो एसिड। हाँ जी आजाद जी, आजाद जी के आज आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, धड़ाधड़ जिसे कहते हैं बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, अमीनो एसिड्स में बच्चा जी कैसे पढ़ा है हमने अमीनो एसिड्स को, कार्बन एक साइड में, नाइट्रोजन अमोनिया, फिर एक साइड में क्या होता है हमारा COOH, फिर यहाँ पे क्या होता है H, यहाँ पे R ग्रुप जो हमारा अमीनो एसिड डिसाइड करता है ना। हाँ जी नौ स्टॉक है ना, बिना फिक्स करते हैं, बट कहाँ पे रोल है वो भी तो देखो ना पहले। हमारे पास प्रेजेंट कैसे है, हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, चाहिए किस फॉर्म में,
इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है, या फिर हमें किसमें, आपको पता होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोलते हैं इसे, हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम पहले नाइट्रेट देन नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी ये भी नाइट एक ही बन गया, ठीक है, देन नाइट्राइट, और फिर हम इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, फिर वो जाके अमोनिया में कन्वर्ट होता है। पढ़ा है आपने, ये नहीं पढ़ा, आप लोगों ने ये वर्ड्स नहीं सुने कभी, डीनाइट्रिफिकेशन? मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैंने 10th में पढ़ाया तो, 11th में पढ़ाया तो है ये वर्ड्स, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ये वर्ड्स नहीं पढ़े, सच में नहीं पढ़े आप लोगों ने 11th में? मैम कैसे पॉसिबल है, नाइट्रोजन साइकिल नहीं पढ़ी है उसमें 11th में? क्योंकि ये का ही पार्ट है, शायद फिर वही होगा कि कोई चैप्टर आपने छोड़ा होगा उसमें से नहीं होगा, ठीक है मैम, ये मिनरल न्यूट्रिशन में था। हाँ तब उससे मुझे पता है अभी एग्जैक्टली चैप्टर तो नहीं याद आ रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं आफ्टर द क्लास एक बार देख लूंगी कि ये कौन से चैप्टर का है, मुझे ना अभी 11th वालों के चैप्टर रटे नहीं पड़े ना पूरे, तो बिकॉज ये मुझे पता है कि ये पार्ट जो है 11th का। हाँ जी यही पॉसिबिलिटी है एक, ये डिलीटेड होगा, बस बस एक सेकेंड दीजिए, मैं फिर आपको बता दूंगी ना, तो एटलीस्ट आप लोग खुद से जाके घर से पढ़ लोगे उसे थोड़ा सा। कौन सा बोल रहे थे आप, मिनरल्स वाला पार्ट ना चैप्टर बच्चे, मिनरल न्यूट्रिशन। हाँ जी यू ऑल नीड टू स्टडी व्हाट, पता है मैं आपको बताती हूँ, मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है उसमें आप में सबसे लास्ट में दिया हुआ है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उससे पहले ना मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन एक टॉपिक है, जिनके पास भी बुक है 201 मिनरल न्यूट्रिशन वाला, 201 चैप्टर पेज पे आओ फटाफट से एक बार, अगर अभी 11th की रखी हुई है तो 201 मार्क कर लो अपनी कॉपी में बच्चा, उस टाइम पे डिलीटेड था बट अभी आपको काम पड़ेगा उससे, ठीक है, ये वरना आपको समझ में नहीं आने वाला है कि ये कैसे हुआ। देख रहे हो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, देन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, वो जो चार्ट दिया हुआ ना, दैट चार्ट इज मतलब इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो प्लीज एक बार वो चार्ट अपने पास जो 201 पे दिया हुआ है फ्लो चार्ट, वो जरूर से देखेंगे, तभी मैं सोचूंगी ये आप लोगों को वर्ड्स क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं। अब अभी के लिए तो मैं ये वर्ड्स पे नहीं आ सकती, बट अगर हमारे पास क्लास में टाइम बचता है तो विल गो एक बार देख लेंगे यहीं से डायरेक्ट। हाँ जी अरिबा क्या हो गया, अनुराधा सॉरी अनुराधा आप हैंड पॉप अप कर रहे थे ना, पायल कोई बात नहीं आपकी बुक में नहीं है, मैं फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है हो गया, चलो चलिए जी, तो ये आप अगर आपने प्रोसेस नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ठीक है, देखो मैं आपको बस अभी थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इन शॉर्ट हमारे पास क्या कंक्लूजन है, शॉर्ट में हमारे पास कंक्लूजन ये है मैम कि हमको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है, क्योंकि नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, बट प्लांट्स के पास ना कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो बाहर से जो है हमारे इसको अब्सॉर्ब कर ले, जैसे हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ना कि हमको सीधे एटीपी मिल जाए, हमको पहले खाना होगा फिर वो हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके वो ब्रेक डाउन होगा और फिर जाके वो पूरे पार्ट्स में या सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही होता है, तो वही चीज इनके साथ में भी है कि एटमॉस्फेयर में भर भर के नाइट्रोजन है, उसके बाद भी अमोनियम तक उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लंबा प्रोसेस चलेगा, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन, तब जाके ये कन्वर्ट होगा। अब यही कन्वर्जन का काम कौन कर रहा है, यही कन्वर्जन का काम बच्चा जी हमारे पास ये बायो फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो क्या कर रहे हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी को सॉइल की बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से, बैक्टीरिया फंगस साइनोबैक्टीरिया, चलिए मैम राइजोबियम, ठीक है राइजोबियम क्या है, हमारा एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब कहां पे, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसका मतलब क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब पता है ना आपको कि दोनों को कुछ ना कुछ फायदा चल रहा होगा, है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब यही पढ़ा है हमने, हाँ जी मैम यही पढ़ा है, देखो राइजोबियम का तो हमको समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, साथ में कर क्या रहा है राइजोबियम, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, ठीक है वो प्लांट के लिए उसके लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है कि ये क्या कर रहा है, उसके पास फूड के लिए डिपेंडेंट है, फूड एंड शेल्टर दोनों के लिए डिपेंडेंट है, उसके अलावा क्या है हमारे पास, फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल,
ठीक है, फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है हमारे पास सॉइल में, एजोस्पाइरलम एंड एजैटोबैक्टर, ये क्या है, एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये भी हमारे इस प्लांट में नाइट्रोजन कंटेंट को, सॉरी प्लांट में नहीं, सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं। चलो जी आगे बढ़ जाओ, आगे क्या कहानी है, बस आई थिंक दो ही पेज रह गए। हाँ जी, चैप्टर इज डन। माइकोराइजा क्या है बहुत अच्छे से जानते हो, दोबारा से बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने का बात है। हाँ जी अनुराधा बताइए, बच्चे आप हैंड रेस भी कर रहे थे, मैंने तब भी पूछा था। हाँ जी बताइए अनुराधा, क्या हेल्प चाहिए आपको? नहीं अभय, केचुआ जिसको आप बात कर रहे हो ना, वो सॉइल को पोरस बनाता है, ठीक है। Okay. क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको अनुराधा, ये पूरा पार्ट, ये चैप्टर? अनुराधा एक बार बोलेंगे आप, बायो फर्टिलाइजर समझ में नहीं आ रहे हैं क्यों बच्चे जी? ये तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं 11 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। अनुराधा आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्लास में? नहीं, रेनू का टेस्ट नहीं है, हमारी किसी का कॉमन क्वेश्चन है, टेस्ट होता तो आपको लगता है आज क्लास हो रही हमारी होती, ये रिवीजन क्लास चल रही होती। यस मैम, क्वेश्चंस हो रहे होते इस समय पे। अनुराधा आपने एक्चुअली क्या किया, मेरे हिसाब से मैंने आपको कभी इससे पहले क्लास में देखा नहीं है, या किसी ने देखा है? नो मैम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना मैं मैम, ओके जी आई एम सो सॉरी अबाउट दैट अनुराधा, बट क्या बोलते हैं ना, आपने ये चैप्टर किया ना बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, द प्रॉब्लम विद यू इज ओनली दैट, जब आप एक बार स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तीन ही लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो गया, आज हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास 45 मिनट्स है, अभी हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, दो ही स्लाइड्स बची हमारे पास, फिर आप एक बार देखना ये चैप्टर स्टार्टिंग से, और तब भी आपको समझ में ना आए तो आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर देयर, ठीक है अनुराधा। चलो कहां थे हम, यहाँ पे माइकोराइजा पे आ गए थे। माइकोराइजा की कहानी क्या है हमारी, आपको बहुत अच्छे से पता है, माइको मीन्स फंगस, है ना, माइकोलॉजी हमने पढ़ी है। हाँ जी मैम पढ़ी है, किसकी स्टडी होती है, फंगस की स्टडी होती है। और राइजा मतलब क्या हो गया, राइजा इज सीधे सीधे उस प्लांट की रूट्स, ठीक है। तो माइकोराइजा एसोसिएशन क्या हो गया हमारे पास, कि इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द प्लांट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है कि फंगस में क्या, फंगस के पास क्या चीज नहीं है मैम, फंगस इज, सॉरी काम करते हैं यहाँ लिखते हैं, ठीक है मैम, फंगस जो है हमारा वो कैसा है, वो हमारा हेटरोट्रॉफिक है, वो अपना खाना वाना नहीं बना सकता, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन नेचर, अदर ईच अदर, तो वो डिपेंड करता है दूसरे, उसमें प्लांट किंगडम में पड़ा था, बिल्कुल सही मुना, है ना। तो ये क्या कर रहा है हमारा, ये प्लांट को क्या दे रहा है, ये प्लांट के लिए, ठीक है, क्या बोला आपने, प्लांट से ये खाना ले रहा है, प्लांट उसको क्या दे रहा है, ऑटोट्रॉफिक, प्लांट हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, तो वो उसको खाना दे रहा है और ये यहाँ उसके ऊपर रह रहा है, बदले में क्या कर रहा है, द फंगस गेट्स फूड फ्रॉम द प्लांट, द फंगल सिम्बियोट क्या परफॉर्म कर रहे हैं मैम, एब्जॉर्ब्स फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट, क्योंकि ये प्लांट जो है इसको खाना अगर दे रहा है तो फंगस भी उसको बदले में कुछ तो दे ही रहा होगा, तो ये सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या कर रहा है, पास करता है उसे प्लांट में, ठीक है मैम। गिव रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेन, सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है पैथोजेन से, एंड टॉलरेंस टू दी सैलिनिटी एंड ड्रॉफ, सैलिनिटी और ड्रॉफ से भी उसको टॉलरेंट बना रहा है। हाँ जी दोनों एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल वाले में वही आता है ना, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का ही ये पार्ट होता है, ठीक है, तो उसी में म्यूचुअल आता है। चलो, give overall increase in plant growth and development. क्या कर रहा है? Plant growth and development में भी ये help करता है। तो ये तीनों reasons हैं आपके mycorrhizae के। चलो जी, आगे बढ़ जाओ मैम। आगे क्या है? Cyanobacteria, जो कि हमारा क्या है? Blue green algae। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने नाम लिया था, Anabina nostoc का शायद, या फिर Heterocyst का नाम लिया था शायद, ठीक है? या आपस में ही बात कर रहे हैं आराम से, अनुराधा एंड वैशाली, चलो कोई बात नहीं। देखो ये क्या है हमारा, आपने देखा होगा साइनोबैक्टीरिया में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट होता है, राइट, इसी को हम क्या कह रहे थे, हमने तब पढ़ा था जब अब 11th क्लास में, तो इसे ही हम मैम हेटरोसिस्ट बोल रहे थे, राइट। इनका भी काम क्या है, इनका भी काम मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही है, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब है ये, ठीक है,
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. फिर क्या है एग्जांपल एनाबीना नॉस्टॉक एंड ऑस्टिलोरिया. फिर क्या है इन पैडी फील्ड वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्योंकि आपको सीधे ऑप्शन से पूछा जाता है कि किस फील्ड में ऐसा होता है. पैडी फील्ड में पैडी समझते हो ना धान पैडी धान ही होता है. ठीक है जो चावल वाला होता है पैडी फील्ड में क्या होता है हमारा साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज अ बायो फर्टिलाइजर. साइनोबैक्टीरिया कैसा बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है. इट ऑल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी. ऑर्गेनिक मैटर भी एड करता है और जो है उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है. ट्रस्ट मी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अपने जब कॉपी में लिखना ना अरे मैम इतना क्यों फोकस दे रहे हो क्योंकि ना उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे जब एग्जाम में पूछा जाएगा. ये वाला क्वेश्चन इनफैक्ट जो हमारे सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना वहां पे भी पूछा जाता है कि कौन से फील्ड्स होते हैं जिनमें जो है हमको ये साइनोबैक्टीरिया चाहिए होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एज अ बायो फर्टिलाइजर. तो वो हमारा होता है पैडी फील्ड. ठीक है एंड यहाँ हमारा चैप्टर हो जाता है. हाँ जी अरिबा पॉइंट समझ नहीं आया. कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया. पैडी फील्ड वाला पैडी फील्ड. अरिबा आपने कभी वो क्या बोलते हैं चावल को लगाते हुए देखा है खेत में. तुम लोग दिल्ली वाले खेत ही नहीं गए होगे आज तक कभी. एक्चुअली क्या होता है ना जो धान वाला हमारा खेत होता है व्हाट यू नीड टू डू इज ना कि आप मैम देखा है. नहीं नहीं मैं आपको मतलब जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको बता रही हूँ जनरली कि यहाँ पे आपको क्या करना होता है आप पूरे फील्ड को पूरा पानी से भर देते हैं. ठीक है पूरा का पूरा वाटर रहता है उसमें. हाँ और उसके बाद ना एक एक करके या फिर मतलब कुछ ग्रुप्स में लाके ऐसे करके प्लांट्स को हम ऐसे करके प्लो करते हैं. ठीक है यू करके लगाया जाता है ऐसे. ठीक है तो ये वाला जो काम होता है ना ये इसीलिए किया जाता है और उसको ना पूरा का पूरा पानी से भरा दिया जाता है ताकि आप क्या कर सकते हैं ताकि वहां पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह होते हैं ना ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो वहां पे नाइट्रोजन को फिक्स कर सके. ठीक है अब इतना ज्यादा डिटेल का तो नहीं बता मुझे बट ठीक है. अनुराधा आप क्या बात कर रहे हो किससे बात कर रहे हैं. हाँ जी रितु चैप्टर है समाप्त. चलिए जी मैं एक्चुअली देख रही थी कोई मेरे वाली मेरे लिए तो कोई वो नहीं है. मैम हमारे गांव में बोलते हैं रोपा लगाना. अच्छा रोपा लगाना मैंने नहीं सुना है बट क्या बोलते हैं बट मुझे ये पता है कि हाँ होता है. ठीक है वैशाली क्या पूछ रहे हो आप. मैम वो बोल रही है उसने मुझे देखा है बट कहाँ देखा. कोई बात नहीं देखा होगा भाई वैशाली कोई ऐसी वैसे थोड़े ना. चलो जी चलो अब मैं एक बार बस ये देख लूं कि जो हमारे पास दूसरी स्लाइड है उसमें से कुछ रह तो नहीं गया है. मैं कल किया था ना एक बार आप ये वाली स्लाइड्स भी देख लीजिएगा. ठीक है जी मैम. ओके मैम. हाँ जी हो ही गया है चैप्टर. ठीक है चलो आई गेस खत्म. हाँ जी कोई भी आपको ऐसा नहीं है जो नहीं आता है सब आता है. चलें जी अब एक चीज हमें क्या देखनी है. अब हम अभी हाथ के हाथ ही जो इसके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं ना बस उसको भी देख लेते हैं सो दैट हमारा ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से खत्म. ठीक है और प्लीज एक बार आप लोग को पता है कि ये मैंने स्लाइड्स जो है अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी तो प्लीज ये वाले जो होते हैं ना छोटे छोटे वाले हमारे हार्डली 3 पेज के ही होते हैं तो तीनों पेज आप एक बार पढ़ लेना. ठीक है तो अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो वी कैन डू. चले जी अब ये वाले क्वेश्चन आंसर्स भी अब आप. हाँ जी मैम कल मैं ना रिकॉर्डिंग देख रहा था तो जो भी लास्ट क्लास हुई थी हमारी बायोलॉजी की मैम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं डली थी. ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई. मैम मैंने कल ही चेक किया है कल नहीं डली हुई थी. एक मिनट रुको
मैंने सुबह चेक किया था बल्कि, तब पे आप लोग ये क्वेश्चन देखिए जी 55 56 57। हाँ यूजुअली मतलब मैं ढाल देती हूँ, बट आप कह रहे हो मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ स्टडी मटेरियल। मैं भी खोल रहा हूँ जस्ट वन सेकेंड। हाँ देखिए देखिए, मतलब मैं कोई वो वैसे नहीं कह रही हूँ, नहीं तुम झूठ बोलो, बट हाँ मैं यूजुअली डाल नहीं पड़ी हुई अब है। 3 तारीख वाली ना देखो, 3/8/2023 का मेरे में नहीं दिखा रहा, एक बार कोई और चेक करेगा क्या कि मेरे में तो दिख रहा है। मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ। अब है जी, जस्ट एक सेकंड देना बच्चा लोग। मैम देखो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप में। मैंने आपको देखो, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है ना, ये देखो दिख रहे हैं स्क्रीन। मैम मैंने अभी वो नहीं खोला हुआ क्लास। देखो देखो स्टडी मटेरियल, इसी में से यही आपके पास वो पेज ओपन होते हैं क्यों अबे? मेरे अकॉर्डिंग यही पेज ओपन होता है। मैम मैंने ग्रुप में भेज दी वो तुमने सुबह की भेजी होगी। तो मैम मैंने अभी भेजी है जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर के। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। मैं एक आप एक बार फिर से देखना। हाँ देखो प्रियंक बाकी आप चेक कर लो। नहीं तो वो तो मैं चेक कर लूंगी अबे, बट द थिंग इज ना कि मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि यहाँ पे है। और देखो एक दो स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं ना, प्रियंका भी कह रही है कि मैम दिख रही है, मैम है। अंजलि सिंह इज ऑल्सो सेइंग दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग फ्रॉम योर एंड, है ना अबे? मैं देख लेती हूँ एक बार। मैम एक बार और दिखा दो, मैंने नहीं देखा। अब रिकॉर्डिंग में देखना तुम जाके। मैम रिकॉर्डिंग यही तो नहीं दिखा रहा वो लास्ट क्लास में। रुको 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 एक सेकंड दो मुझे बस। मैम देखो मैंने ग्रुप में फोटो डाली है बिल्कुल अभी स्क्रीनशॉट लेके। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारे में नहीं दिखा रहा है मेरे में दिखा रहा है? हाउ कम इज इट पॉसिबल? बाकी लोगों के में भी दिखा रहा है मैम, मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है इसकी? हाँ नहीं अबे आई विल डू वन थिंग ना, मैं आपको उसका वो डायरेक्ट भेज दूंगी ठीक है। ओके मैम। ये देखो भाई गूगल से जाके ओपन। आप क्या बोलते हैं यहाँ पे टीचर बन के आई हो, क्यों रहा था मैम? क्या ये JNK? आई डोंट नो, तुम्हारे वहाँ पे कोई स्कूल का नाम होगा आई गेस। जम्मू कश्मीर? नहीं नहीं कुछ और ही है। चलिए जी तब तक आप लोग, हम लोग ये कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म करते हैं और फिर आप लोग जाइए आराम से बैठिए पढ़िए ऐश करिए। मैम मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ कुछ काम आ गए। अबे तब तक हम लोग चले जाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि क्लास 8 बजे के बाद स्ट्रेच होगी, बिकॉज तब तक ही 15 मिनट में आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे, आई नो दैट, इतना तो ट्रस्ट है मुझे आप लोग पे। मैम 15 मिनट ही लगेगा। जाए जी फिर, जाने वाले को कौन रोक सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 कहाँ पे होता है, किस वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है? कोई नहीं जी मतलब क्या है, क्या बेरियम ट्रीटेड है, ब्रिगर थ्रेड है, बायोटेक्नोलॉजी है? नो नो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अ फ्री लिविंग फंजाई आर प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम्स आर पोटेंशियली यूजफुल एस, किसके लिए? बच्चे बायो फर्टिलाइजर था या बायो पेस्टिसाइड था, किसका रिप्लेसमेंट है वो?
फर्टिलाइजर, ट्राइकोडर्मा हमने फर्टिलाइजर में पढ़ा है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अभी अभी जस्ट पढ़ के। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। एक सेकंड दो, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। बायो उससे देखो ना हमने किस में पढ़ा है। अभी मुझे पता है, ठीक है तुमने अभी पढ़ा है, बट स्लाइड्स, अच्छा ये वाली स्लाइड्स, वैसे वाली तो स्लाइड्स पढ़ी हुई है ना। कहाँ गया बीटी ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, क्या था ये बच्चे, किसका रिप्लेसमेंट है, हमने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को तो रिप्लेस किया है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स में हमने उन बैक्टीरियम्स के नाम पढ़े हैं, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर्स और ये राइजोबियम, और जिनको हमने कब यहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, म्यूचुअल वाले के साथ, माइकोराइजा। बेटा जी कंफ्यूज नहीं होना है ना दोनों में, हल्का सा ही डिफरेंस है बट डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है ना। कौन सा पेज, यही है पेज, यही था क्या, हाँ ठीक है। तो अब क्लियर हुआ, जितने भी लोग अभी कह रहे थे बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर नहीं का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो बायो पेस्टिसाइड है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का रिप्लेसमेंट है, चलो केमिकल पेस्टिसाइड्स का। क्वेश्चन नंबर 59 अभी जो पढ़ के आए उसमें तो कंफ्यूज मत हो एटलीस्ट, ये भी तो आप बता ही दोगे, बायो कंट्रोल, ठीक है आप तो बता ही दोगे। चलो नेक्स्ट, पेक्यूलो वायरस, जिन्हें हमने अभी क्या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोनो वायरस कहा, डू नॉट शो, किसको शो नहीं करता है, होस्ट स्पेसिफिसिटी, मैंने आपको बताया था सबसे पहला ही पॉइंट उसका कि वो क्या था, मेंसी स्पेसिफिक, हमने वर्ड यूज किया था, हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, हमने वर्ड यूज किया था स्पेसिफिक, राइट, वही मतलब हुआ इसका भी, तो ये तो मैम सही है। फिर कह रहा है नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन, ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि क्या है वो कुछ ही पे करेगा, कि इन वालों को ही मारेगा, सबको नहीं मारेगा, ठीक है, तो इसका ही जस्ट ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट ही यही है, इफेक्ट्स ऑन नॉन टारगेट स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, नॉन टारगेट इंसेक्ट मतलब क्या, कि वो किसी को भी मार देगा, जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं, गुड और बैड दोनों को ही मार रहे हैं, तो नहीं मैम यही गलत है, ठीक है, और ये जब गलत है तो इसका मतलब है सही यही है, ये हमें कौन सा चाहिए, डू नॉट शो वाला ही चाहिए, ठीक है, और आईपीएम प्रोग्राम में तो ये यूज होता ही है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 61 नीतू बी क्यों लग रहा है आपको, 61 का बायो कंट्रोल एजेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये आईपीएम, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी कैसा होना चाहिए, ये लग रहा है मैम डी। बच्चे देखो हम लोग, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कि जो हमारा ये होना चाहिए वो स्पीसीज स्पेसिफिक और सिम्बियोटिक होना चाहिए, नो no. ठीक है, कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है, जो इनका प्रोग्राम है, एंड इनएक्टिव ऑन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हो उस पे ये इनएक्टिव हो, ये क्या कर रहे थे, सबको मार रहे थे, बट आईपीएम का कॉन्सेप्ट नया क्या चाहते हैं वो, कि वो स्पीसीज स्पेसिफिक तो चाहते ही है और साथ ही साथ इनएक्टिव हो बाकी उस पे, तो ये हमारे आईपीएम का वो है, ठीक है, अभी तो जस्ट पढ़ा ना बच्चे ये। चलो अगला देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 68 69 70 and 71 देखो देखो, Which of the following belongs to free living nitrogen fixing bacteria? अब ये free living nitrogen fixing bacteria की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कौन सा है हमारा, राइजोबियम free living है, पहला ही, नहीं मैम राइजोबियम free living bacteria नहीं है बच्चा, ठीक है, एजोस्पाइरलम था और एजोबैक्टर, free living का मतलब समझते हो, जो soil में present हो ऐसे, राइजोबियम कहाँ present था, उनके रूट्स में प्रेजेंट था, पढ़ा था हमने ये पार्ट, तो रीजन देखो ना, कि आप अभी किसी ने मेरे को डी भी बोला था, ऑल ऑफ दीज, आप रीजन देखो कि राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट है मैम, राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द रूट्स, वो क्या कर रहे हैं,
वैशाली कोई बात नहीं, बस समझ लो अभी जस्ट पढ़ा है तो मैं अभी जस्ट सारे आंसर सही भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, बट तुम लोग मोस्टली आंसर सही दे रहे हो, दैट इज गुड, कोई बात नहीं। बट हमने एजो स्पाइरलम और एजो वेक्टर पढ़ा कि ये मैम सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा था ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब आगे से याद रखोगे हमेशा के लिए, आई नो दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 69, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये तो बताई दोगे, है ना। मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर ऑफ माइकोराइजा कौन है इनमें से, बताइए जी। क्वेश्चन नंबर ग्लोमस, ठीक है, आई नो हमने नाम नहीं सुना बट आज सुन लिया तो अब आगे से याद रखोगे। तो सबसे ज्यादा कॉमन फंगल पार्टनर ऑफ माइकोराइजा बिलोंग्स टू ग्लोमस, ठीक है, ग्लोमस जीनस से बिलोंग करता है, ना ही फ्रेंकिया ना ही एजोला और एजोटोबैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं। Which one of the following helps in absorption of phosphorus from the soil? ये तो बता दोगे। Question number 70. मैम A और B है। मैम इसका C. इसका भी C ही है बच्चा। ठीक है, most common है तो C ही है। चलो question number 72. It's okay, कोई बात नहीं, ये हमने थोड़ा सा पार्ट नहीं पढ़ा है बट आप सीख रहे हो क्वेश्चन आंसर तो हम लोग इसीलिए करते हैं ना। देखिए कौन सा 72 करा है आपने, 72 का आंसर या फिर यहीं से देख लेते हैं। 62, 63, 64, 65, फटाफट से पहले ये करिए। Which, sorry, 62 का क्या है? Which of the following is an example of carrying out biological control of pest disease using microbes? कौन सा है? Trichoderma? Yes, ma'am. चलो, BT cotton और ये सब नहीं है ma'am. चलो, select the correct group of biocontrol agent. Biocontrol agent कौन कौन से हैं इसमें? ये आई थिंक बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63 अगर आप कोई भी दो बताने में सक्सेसफुल होना तो आप बता दोगे, और ये भी आप पता है कैसे कर सकते हो, नॉकआउट मेथड से कर सकते हो। हाँ जी, नॉकआउट मेथड से, क्योंकि हमें पता है राइजोबियम नहीं हो सकता, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है वो, एजोबैक्टीरियम भी नहीं करेगा क्योंकि वो भी मैम क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स में हम यूज करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट में नहीं करते हैं। और यहाँ पे कौन सी गलत चीज थी हमारे, बिल्कुल सही, टीएमवी, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ठीक है, तो यहीं से हमें को आंसर मिल गया ए। चलो क्वेश्चन नंबर 64, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव। यस मैम, ऑल ऑफ द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 65, इसका भी ऑल ऑफ द अबव। कौन बोला ए? दीपिका डी। हाँ, ए कौन बोला? दीपिका। मैं नहीं बोली मैम, मैंने डी बोला। ओके जी, बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है, सारे ही हो को हम यूज करते हैं टू एनरिच द क्वालिटी ऑफ ये सॉइल को। कैसे मैम? देखो हमने पढ़ा है ना एजोस्पाइरलम, और ये अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे एजोबैक्टर, ये क्या है? बैक्टीरिया है। फंगस में कौन सा हमारा अभी तुम लोगों ने पढ़ के हटे हो, कौन सी थी वो? ग्लोमस, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया में कौन सी? नॉस्टॉक, एनाबीना, है ना। सबके एग्जांपल्स याद रखो बच्चे, अपने आप आपको चीजें याद हो जाएंगी। इन दो को भी देख लो, फिर हमारे पास यही साइड वाला पेड़ बचेगा। 66, 67, राइजोबियम वाला, बिल्कुल सही मैम। ठीक है, अब आ गया ये नेक्स्ट। अच्छा 67 का ऑप्शन ही ऊपर है, सो सॉरी जी। चलो अभी पहले ये वाला देख लो। यस सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, फिर वो वाला तो आप खुद ही देख सकते हो। 74, 75, 76, 77, 78, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइक्रोब्स व्हिच पेयर हैज बोथ द माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या है? मैम सी। बाकी लोग भी एग्री कर रहे हो? सही, यस मैम सी है इसका आंसर। मैम सारे प्रोकैरियोटिक है ये बताओ।
हाँ जी बच्चे सारे प्रोकैरियोटिक ही हैं, 74 का बिल्कुल सही है। सी हाँ जी चलो फिर क्या है, बोथ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड। देखो मैंने अभी कहा था ना तुमसे पैडी फील्ड का आता है स्टॉक ना स्टॉक। यस मैम। अभी तक पढ़ के हटे उसका डी होगा मैम। नहीं बच्चे दोनों ही होते हैं ठीक है, पैडी हर बार पूछा जाता है आपसे। आ गया मैम। वेलकम जी अजोला। अजोला का क्या कहानी है, अजोला इज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज किसके साथ ये क्या करता है भाई, क्वेश्चन नंबर 76। ऑप्शन बी। एजोला का काम किसके साथ है पहले तो इसी बात को सोच लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जी किसके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा ये, राइजोबियम के साथ, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है क्वेश्चन को ऐसे निकालो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 77, बेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर। बायो फर्टिलाइजर्स इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन कौन से होते हैं। अब इसको भी आप कैसे कर सकते हो, नॉक आउट मेथड। बैक्टीरियो वायरस बिल्कुल ही फर्जी आंसर, टीएमवी बिल्कुल फर्जी आंसर मैम ये ना। हाँ जी और यहाँ पे आपको पता है पेनिसिलिन इज फॉर व्हाट, पेनिसिलिन किसके लिए है, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीबायोटिक के लिए। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है। हमें मैंने तो केवल ग्लोमस देखा था। हाँ उसी से आपको आंसर भी मिल जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम से और ग्लोमस से ही आपको आंसर मिल जाता है। मैम बस यही देखा तो ये अभी लास्ट टाइम पढ़ा था क्योंकि याद था। चलो आ जाओ जी कौन से रह गए, दो क्वेश्चन ये रह गए हमारे पास 72 एंड 73। फिर हम बस 5 मिनट नीट के क्वेश्चंस कर लेंगे एंड बाय। मैम मैं सब बता रहा हूं कॉल के लिए। मैम जैसे परसों अगर कॉल आई और हम स्कूल में हुए, प्लीज अपना फोन उस इंसान को लेके जाना आप है जो आपका फोन उठा ले। तो मैं मम्मी के पास रहता फोन तो। हाँ तो मम्मी को बोल देना कि मम्मी मेरा फोन आए तो बोलना मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ, रेगुलर टेस्ट भी देता हूँ और मेरे नंबर भी हर बार 160 से ऊपर आए हैं ठीक है, ये बोल देना प्लीज। ठीक है मैम। मैम अब की बार भी तो वैसा नहीं होगा जैसे पिछली बार मेरी अटेंडेंस जीरो दिखा रहे थे बच्चे जी। अगर मैम मेरे साथ यही हुआ था। नहीं नहीं कोई नहीं, वो होगा तो उसके लिए मैं हूँ आपके पास, मेरे पास आपका वो पूरा अटेंडेंस का ट्रैक है ठीक है। चलो पहले इन दोनों को देख लो 72 एंड 73 को। सिंबियोटिक कौन सा है, बोथ ए एंड बी। हाँ जी मैम ठीक है, ये रूट्स के साथ, माइक्रोऑर्गेनिज्म आपको पता है फंगस एंड रूट्स के साथ। चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारा 73। ऑल ऑफ दिस कहानी खत्म। चलो अब हम लोग थोड़ी सी, अब जिनको जो कुछ पूछना उछना है ना तो वो पूछ भी सकते हैं एंड आप लोग क्लास अपनी। ये वाला क्वेश्चन था क्या चीज, यही क्वेश्चन था मेरा। क्या क्वेश्चन था मैम, बस यही क्वेश्चन था मतलब कहने का। ओके जी चलो जी ये देखो जी क्वेश्चन नंबर 116। पहले इन दोनों को देखो बिकॉज ये नीट में आ चुके हैं। सिट्रिक एसिड, अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको कौन सा चीज रटाया हुआ है। एस्परजिलस नाइजीरिया। एस्परजिलस नाइगर और सिट्रिक नाइगर। कोई बात नहीं याद है उतना ही बहुत है मेरे लिए बच्चा ठीक है। ए का 3 किसमें है मैम, 3 में है, आपके उससे आंसर नहीं निकला हमारा। कोई बात नहीं मैम बाकी से निकलेगा। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटुरिकम करके नाम होता है राइट। यस मैम तो डी का मैम हमारे पास 2 मैम, हमारा आंसर तो इससे भी नहीं निकला ठीक है। नॉकआउट तो हो रहे हैं, 50-50 पे पहुंच गए हम। अब कौन सा है हमारे पास, साइक्लोस्पोरिन और हमारे पास टैनिन्स, बताएं जी कौन सा लगेगा कहाँ पे। 112 साइक्लोस्पोरिन का मैम ट्रिकोडर्मा।
साइक्लोप्रोरिन साइक्लोस्पोरिन सॉरी ठीक है साइक्लोस्पोरिन का क्या है हमारा बी होगा मैम बी बी ऑप्शन बी का पाना होगा ना मोनास्कस कहानी खत्म ठीक है चलो जी अब आ जाओ इस पे अभी जस्ट करके हटे हो 113 एंड आई होप कि एक 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर भी आ जाना चाहिए माइकोराइजा किसके साथ करते हैं ए का टू है नहीं नहीं पर ऐसे नहीं बताओ पहले जो मैं पूछ रही हूँ वैसे अब है अच्छा ए का ही आप बता रहे हैं सो सॉरी क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पे पहले ऊपर कर लेते हैं इसको ठीक है माइकोराइजा किसका है हमारे साथ ए का क्या होगा क्या करता है ये माइकोराइजा मैं तो 116 का बता रहा था नहीं नहीं पहले ये वाला अच्छा सॉरी कोई बात नहीं अब मैंने इसको बोल दिया ना इसको इस पे माइकोराइजा आंसर नहीं पहले मुझे ये बताओ माइकोराइजा का कॉलम 2 से किसके साथ मैच कर रहा है ऑप्शन क्या क्या बन रहे हैं हमारे पास ऑप्शन बन रहा है मैम 4 पेर 3 देन रूट नोड्यूल्स में 2-1 4-3-2-1 कौन सा बना निकल गया 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर 116 इसका भी बताइए मैम एक का 2 इसमें भी मेरा वाला ट्रिक चली जाएगा 1-2-3-4 ठीक है तीसरे पे मैम हमारा तीसरा ही आएगा ठीक है मैम तो ये दोनों तो गलत हो गए सीधे सीधे ठीक फिर क्या है ये और क्या है एसिटोबैक्टर एसिटाई पहले मुझे बताओ डी का क्या आएगा एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करेगा एसिटिक एसिड लैक्टोबैसिलस दही टू ठीक है बट इससे भी हमारा आंसर तो नहीं आया सैक्रोमाइसिस सेरेटी ऑप्शन है हम इसका आएगा ब्रेड ब्रेड क्वेश्चन नंबर 6 मैम ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो बी का क्या है ठीक है तो ये आ गया हमारा 2-4-3-5 चलो क्वेश्चन नंबर 115 सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सी थी मैम राइजोबियम राइजोबियम ठीक है राइजोबियम तो मैम हमारा पहले का हो गया 2 ये गलत फिर क्या है ड्रैगन फ्लाइज किसको खानी थी ड्रैगन फ्लाइज डी का हमारे पास एजोटोबैक्टर ठीक है डी का थर्ड तो सी का अपने आप 4-2-1-4-3 का हमने ये थोड़े से पढ़े नहीं है बट यस आई नो थोड़ा सा दिमाग लगाना तो 117 बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे हल्का सा दिमाग लगा लो बस जो आपसे हो पा रहे हैं ना बस आप उनको ध्यान दो हमने कौन से थोड़े से तो मैम पढ़े हैं मैम ऑप्शन ए Yes, ma'am. किस बेसिस पे बोल रहे हो वैशाली मुझे पहले हिंट भी दो अपना प्लीज ऑप्शन ए का क्या है आंसर फ्यूमागिन फ्यूमागिलिन जो है वो क्या है एंटीबायोटिक जो है उसका सोर्स क्या है फ्यूमागिलिन फ्यूमिगेटस देखो मैं कह रही ना थोड़ा सा दिमाग लगा लो ठीक है मैम इसका 4 और द मोमेंट आपको इसका आंसर पता चल गया आपको पता चल गया कि आंसर क्या है थोड़ा सा दिमाग लगा ठीक है आपको पता है कि फ्यूमिगेटस जो है हमारी क्या है एक फंगस है करेक्ट ये हमारी एक फंगस है ओके मैम बी का 5 है बैसिट्रेसिन ठीक है बैसिट्रेसिन भी कहां से आया है बैसिलस से ही आया है सबका लगाया था मैं आपसे कह रही हूं ना नीट वाले इतने भी दुश्मन नहीं होते सी का सेकंड तो ये आ जाएगा मैम हमारा 5 मैम सी का सेकंड से सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी देख रहे हो स्ट्रेप्टोमाइसिन मैम डी का 1st वेरिडिन विरेन से लिया हुआ है यहाँ पे ये फर्स्ट आ गया काली लोगी पॉलीमिक्सिन जब कोई नहीं बचा मैम हमारे पास तो इसका भी बट क्या है पॉलीमिक्सा से दिया हुआ है मैंने क्या कहा आपसे हल्का सा बस एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको इसका आंसर भी है ना ये हाँ इसका आंसर 4-5-2-1-3 लगा टफ ये कहीं से भी
और तुमने किसका एम्स का आंसर सॉल्व किया है, और हमने एक भी सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ा है, बाकी हमने एक भी एंटीबायोटिक का नाम नहीं पढ़ा है, बट हमने मैम फंगस ठीक है फंगस या बैक्टीरिया जो भी है हमने ये सारे पढ़े हैं और इसी से हमारे ये बनाए भी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसके बाद बाय। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शेरमानी किसके काम आ रहा था? प्रोपाइनोबैक्टीरियम शेरमानी नहीं, पहले मुझे डी का बताओ, डी का क्या है? प्रोपाइनोबैक्टीरियम शेरमानी किसके काम आता है? ये हमारा डी का हो गया सेकेंड, डी का सेकेंड दो में दिया है मैम। चलो जी ए का थर्ड, ए का कह रही है लड़की थर्ड, सैक्रोमाइसिस थर्ड है ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारा किसमें? इथेनॉल के प्रोडक्शन में, ए का थर्ड आ रहा है। चलो जी मैम जो भी हमारा उससे भी हमारा आंसर नहीं निकला। फिर क्या कह रहा है ये? मोलेस्कस प्यूरपेरियस, ये अभी अभी ही पढ़ा है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, बिल्कुल सही अब है, रटे रक्षण है ठीक है। और जैसे ये आता है वैसे मतलब ये समझ में आ गया कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हमारा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, और ये करेक्ट ये करेक्ट ठीक है। चलिए जी बच्चा लोग, थैंक यू सो मच एवरीवन कि लास्ट डे पे भी आप सारे के सारे बच्चे साथ में हो एंड लास्ट टाइम तक साथ में हो। सो इट वॉज वेरी नाइस टीचिंग यू ऑल एंड बीइंग विथ यू। कोई भी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर।